आज मैं आपको मिश्र समानुपात कंपाउंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर आपको मेरा क्वेश्चन अच्छा लगता है, सॉल्यूशन अच्छा लगता है, तो कमेंट करके मेरे को बताएं। सवाल है मिश्र समानुपात का। दो व्यक्ति 2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2 दिन में 2 मशीनें तैयार कर लेते हैं। 6 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में कितनी मशीनें बनेंगी? इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। देखो हम कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या है, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, 2 व्यक्ति 2 घंटे 2 दिन कार्य करके 2 मशीन बना रहे हैं। सेकंड कंडीशन बोली उसने, तो 6 व्यक्ति 6 घंटे 6 दिन कार्य करके कितनी मशीन बनाएंगे। अब आप इसमें एक चीज़ समझने की कोशिश करो, 2 व्यक्ति 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो वही व्यक्ति अगर 4 हम ले लें तो वही घंटे काम करेंगे। 2 व्यक्ति 2 घंटे काम करके जितना चीज़ बनाएंगे उतना 4 व्यक्ति 1 घंटे काम करके वो चीज़ बना देंगे। अगर 4 व्यक्ति 2 दिन कार्य करके 2 मशीन बनाएं, तो 8 व्यक्ति 1 दिन कार्य करके उतनी मशीन बना देंगे। देखो ये मैंने क्या किया है, 2 गुणा 2 गुणा 8 टोटल व्यक्ति हो गए 8। तो हम यहाँ मान के चलते हैं इसमें कि 8 व्यक्ति 1 दिन में 2 मशीन बनाते हैं। तो अब नीचे वाले पर आ जाओ सेकेंड कंडीशन पर, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो इसमें क्या जाएगा, 216 व्यक्ति। अगर 216 व्यक्ति 1 दिन कार्य करें तो वो कितनी मशीन बनाएंगे, तो इसमें वो इसका हम यहाँ से हम रेशो निकालेंगे, 2 बटे 8 x/216। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, 8 बटे 216 = 2 बटे x कैसे भी करके इसका हमें रेशो निकालना है, और रेशो निकाल के आ जाएगा 54 मशीन। इसको आप थोड़ा सा देखो और समझने की कोशिश करो। इस तरह के सवालों को हम ऐसे निकलते हैं कि जो हमें जो व्यक्ति घंटे दिन दिए होते हैं उसको एक एक के उसमें निकाल लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं समय कार्य कि 10 घंटे में कोई गाड़ी 15 किलोमीटर चलती है, तो 15 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, उस हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे। 10 घंटे में कोई गाड़ी 15 किलोमीटर चल रही है, तो 20 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, तो उसका रेशो निकाल लो। उसी तरीके से इसको निकाल लो, तो व्यक्ति घंटे दिन को हम या तो व्यक्ति बदल लो या घंटे बदल लो या दिन बदल लो। जैसे कि 8 दिन में कोई व्यक्ति 2 मशीन बना रहा है, तो 216 दिन में कितनी मशीन बनाएगा, उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।